ये जो पवेलियन प्रीमियर लीग जो है, जो ये पांचवा सीज़न है और दो साल कोविड की वजह से स्लो डाउन हो गई थी, बट अब बैक है, बेटर है, स्ट्रॉन्गर है और अभी इसमें ये इस चीज़ में हम बिलीव करते हैं कि दो तीन साल के अंदर ये लीग इतनी बड़ी हो जाएगी कि बच्चा बच्चा इस लीग के बारे में जान जाएगा। और पिछले साल जब लास्ट टाइम दो साल पहले जब ये लीग हुई थी उसमें हमारी टीम मुंबई हॉर्सेस ने कप उठाया था, तो इस बार हमने उसमें से चार प्लेयर्स रिटेन किए हैं और हमारे कैप्टन जो हैं विपुल, इनको भी रिटेन किया है हमने। और इस बार भी ऑक्शंस में लक बहुत चला, 11 कॉन्ग्रेचुलेशंस हमको मिले, मतलब 11 चिट्स अपने नाम की निकली हैं, तो टीम बहुत स्ट्रांग बनी है। और पर क्रिकेट तो ऐसा होता है कि जिसका देन होता है वो उसका चलता है, बट सो वी होप कि इस बार भी हम लोग ये ट्रॉफी उठाएं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गेम बहुत अच्छा हो, फेयर हो और अच्छी स्पिरिट में हो। बहुत सारे सेलेब्स जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबको पता चला तो सबसे पहले ये लीग हो ही रही थी, बट जब मीत ब्रदर्स इसका हिस्सा हुए तो ये लीग बहुत पॉपुलर हुई पूरे इंडिया ही नहीं, एशिया में, ओमान में, मलेशिया में, वहाँ तक हमारी न्यूज़ पहुँची। और हमारे जो क्रिकेटर्स थे मुंबई हॉर्सेस के और स्पेशली VPL के, उनको बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लगे और उनका एक देखा जाए तो फ्यूचर भी अच्छा बनने लगा इस लीग के कारण। तो बस यही कोशिश है हमारी मुंबई हॉर्सेस के, जो भी हमने एक टीम बनाई है ऑन पेपर तो अच्छी है, हम कोशिश करेंगे कि ऑन ग्राउंड भी इससे अच्छी हम लोग टीम को निकाल के लाएँ। भैया ने मतलब मनमीत भैया ने टीम जब हम लोग टेबल पे बैठ के बना रहे थे तो जो जिन प्लेयरों को हमने रिटेन किया, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें IPL के क्रिकेटर राहुल यादव है वो भी मुंबई हॉर्सेस का हिस्सा होंगे, जो वैलेंट के फेमस प्लेयर है जो इस लीग को खेल रहे हैं, रिचि शुक्ला, कुरवेश भट्ट, गौरांग दवे, तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी अच्छे प्लेयर हैं जैसे अहमदाबाद के सलमान पठान हो, और बस हमारा यही है कि रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। और जब आपके लिए सेलिब्रिटीज़ जब ये ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हो, प्लेयर के लिए डिमांड कर रहे हो, तो प्लेयर का जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सी ये हमारे कैप्टन है सलमान, और जैसे मेरे बड़े भाई मनमीत ने बोला, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज यंग टैलेंटेड किड्स ऑल ओवर दीज places in India, क्योंकि बहुत talent है and sometimes उनको scope नहीं मिलता है, so we are here to give all the kids a very good scope and opportunity to show their talent, because we believe in India, we believe in the Indian kids, we love cricket and that's what this is all about. Valiant Premier League season 5 देख लीजिए, it's going to be rocking. Fifth season captain है, 1, 2, 3, 4 ये fifth time captain रहे, full 5 times। आकाश जी काफ़ी motivated person है और वो दूसरों को भी काफ़ी motivated करते हैं। और मैं Valiant से जुड़ा हूँ, 10 साल हो गए। हमारे विपुल भाई है, विपुल भाई ने रूरल जो क्रिकेटर है उनके लिए ये विला विपुल था, तो उसका हम पार्ट बने। सो VPL सीजन 5 जो ये आया है वापस स्ट्रॉन्गर देन एवर, एंड आई होप कि इस बार और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। स्पेशली मेरी जो टीम है भोपाल टाइटन्स, जिसको मैं आज सपोर्ट करने आई हूँ, उन लोगों के लिए मेरी एक्स्ट्रा प्रेयर्स है एंड आई होप कि बहुत अच्छा करें। आज हमने रिटेन किया हमारे अपने कैप्टन, जिनके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, सो वी हैड टू रिटेन रिची एंड उनकी जो स्पेशलिटी है दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइक ही इज़ बिन द बेस्ट प्लेयर हम लोग के, एंड उनको तो हम लोग कभी जाने नहीं दे सकते थे हाथ से, सो दैट्स वन विन। एंड उसके अलावा हमारे बहुत सारे, हम लोगों ने जितने भी मन के यू नो वी वॉन्टेड द प्लेयर्स, वो सारे हमको मोस्टली मिले हैं, तो हम लोग का बहुत लकी ये सेशन रहा है। अच्छी एक अच्छी टीम बनी है, एक बैलेंस टीम बनी है जिसकी हमें नीड थी, और लेडी लक जिसका बहुत ज़्यादा नीड था वो मेरे साथ चल गया, तो थैंक यू सो मच। तो आई एम रियली हैप्पी, जो जो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोग को मिले। VPL में पूरे देश दुनिया से लड़के आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर खेलने के लिए, तो हम देखते हैं कि एक प्रतिभा निकलती बाहर, और आप उन्हीं में से देखेंगे कि एक सचिन तेंदुलकर, एक सहवाग निकलेगा यहाँ से। और जैसे कि हमारे कैप्टन हैं जय जी, इज अ वंडरफुल कैप्टन, और अब ये सब मैचेस ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ हमें टेम्परेचर से, एटमॉस्फेयर से हमें बेनिफिट मिलेगा। यही है सबसे मेन चीज़ के, सबसे ज़्यादा विपुल इस चीज़ के लिए वो है, क्योंकि विपुल ऐसे हैं कि वो जितने भी लोग हैं प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल पाता है वो सबको साथ लेके चलते हैं, और वो छोटे से छोटे प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और इस चीज़ में आगे लेके आते हैं, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि लोगों को मोस्टली चांस नहीं मिलता है, उनके अंदर टैलेंट होता है बट चांस नहीं मिलता है, विपुल की अच्छी बात है कि वो सबको साथ लेके चलता है और उसी की वजह से आज सबको चांस मिल रहा है।
So we are very happy that Vipul has brought back the league after a gap of 3 years. It's been a very interesting concept. This is our second year being part of it. We have rechristened our team to Royal Baroda. The thing is, we have got the captain Shlok here, and he has guided us to pick the best possible playing 11, and we are very happy that we got the best 11 that we could have got. And so far, we feel very confident that it's going to be a good year. We wish Vipul all the very best. We like the part that Vipul has brought this concept, and we wish him all the best for the future. Actually, it was very important. I'm so happy that I'm a part of Berlin Premier League. This is like my second time I'm associated with this BPL team. And I wish a lot of luck to every team, but I want a team has to win. Yeah, so basically we want this league to grow, and we want to support, reach out to those deserving players. So hopefully with this league, you know, we can have new Tendulkar, Sehwag, and the new era of cricketers to come for India. Thank you. मेरा नाम करण है. मुंबई के रेडियो चैनल में मैं रेडियो शो होस्ट करता हूं, और इस साल मैं आईपीएल का भी हिस्सा हूं स्टार स्पोर्ट्स में. सो आई एम प्रेजेंटिंग आईपीएल, और मेरे लिए खुशी की बात है कि बचपन से मैं क्रिकेट खेलता आया हूं. कभी चांस नहीं मिला, गली क्रिकेट जो बचपन में हम सब खेलते हैं, तो वैसे ही सारे जो प्लेयर्स हैं वेट कर रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म के लिए, कोई चांस के लिए. और बीपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है सारे प्लेयर्स को, ये एक अलग ही बात उनके लिए होती है, अलग ही मोटिवेशन होता है उनके लाइफ में कि हाँ, यहाँ से शायद हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं. तो एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है अपना अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा पूरा प्लेटफॉर्म है बीपीएल का. और सीज़न 5th है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के जितने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सभी लोगों ने सराहा इसको लीग को. तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस लीग में, इसके लिए 5th सीज़न हो रहा है. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी. मेरे साथ 5 कैप्टन्स हैं टीम के जो भिड़ने वाले हैं वीपीएल सीज़न 5 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए. ये एक सपोर्टिव कोर्स के लिए टूर्नामेंट होता है वैलेंट प्रीमियर लीग, इसलिए हम लोग सारे खेलते हैं. बिकॉज मेन चीज़ है कि रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स को चांस देते हैं, जो एकदम ऐसे बच्चे होते हैं, नीडी बच्चे होते हैं, जो कुछ एफर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. और कहीं से भी ये बीसीसीआई का कंपटीशन नहीं है, बीसीसीआई के सामने नहीं है, ये ग्रामीण कक्षा के क्रिकेटरों का एक टूर्नामेंट है, जिसमें बस ये फेम हमें इतना अच्छा मिला है. हम उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इस लीग में खेलते हैं कि वो भी इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी प्लेयरों के साथ खेल के उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, और उनका जो गेम है क्रिकेट का वो अच्छे स्तर पर जाए.